हिरनबा इंडस्ट्रीज काफी पसंद है। ये इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपने पहले तिमाही के रिजल्ट्स तो अच्छे रिकॉर्ड किए ही है, लेकिन जो इनकी मैनेजमेंट कॉल थी वहां पे वो काफी पॉजिटिव थी कि टॉप लाइन ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20% होगी, मार्जिन्स भी अच्छा इजाफा होगा और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इनको दो प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल मिला है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशंस दूसरे एग्रोकेमिकल कंपनी जैसे यूपीएल के कंपैरिजन में काफी रीजनेबली प्राइस्ड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खरीदने का मौका है। तो यहाँ पे करीबन 950 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदा जा सकता है। करीबन 6 to 12 months का नजरिया अगर रखते हैं तो एक एक्युमुलेशन वाला स्टॉक है, और ऐसे खराब बाजार में भी स्टॉक ने काफी अच्छी तरह से अपने लेवल मेंटेन किए। तो मेरी तरफ से हिरनबा इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस 950। एक्सेल हिसार को इसे हमने काफी बार एसपीएल मिड कैप शो में कवर किया है। लगभग 80 के लेवल्स के आसपास से हम इसे कंटिन्यूअसली कवर करते आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया था अराउंड 235 लेवल के आसपास, हाल फिलहाल में ही जुलाई के सीरीज में, वहां पर एक काफी बड़ा हर्डल था 2018 के, इसके जो हाइस थे इसने काफी कॉन्फिडेंटली वहां पर ब्रेक किए थे। एंड जिस तरीके से प्राइस एक्शन वहां पर इवॉल्व हुई थी, काफी बड़ी डायनामिक इंपल्स वेव अनलॉक हो चुकी थी। एंड जिस तरीके से उसने 300 के आसपास के स्विंग्स बनाए, उसके बाद एक अच्छी एक करेक्टिव एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। अगर इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अभी भी बरकरार है, कोई बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है। एंड जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है डेली चार्ट पे, मुझे लग रहा है वहां पर एक इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं जाकर एक वापस एक डिमांड जोन बन सकती है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास। सो खरीदारी करनी चाहिए जेएसएल हिसार इस पर्टिकुलर काउंटर में। वीकली चार्ट अगर देखें तो वहां पर एक वापस सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, जो ब्रेकआउट जोन था अराउंड 240-235 के आसपास का। सो मुझे लग रहा है वापस एक स्ट्रांग अप मूव अनलॉक होनी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 235 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड पैटर्न टारगेट मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल का ही जो स्विंग बना था अराउंड 305 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग वापस रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक काफी क्लासिकल ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक एक्शन फिलहाल नजर आ रही है जेएसएल हिसार में। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टैगर्ड वेट में स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए 300 के लक्ष्य के लिए।